हाँ वही, बोलिए बोलिए। गणपत भाऊ कहाँ है आप? आपने बोला तो सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में आम की पेटियां लेकर पहुंच जाऊंगा, अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं लग रहा था आपका। सॉरी सॉरी सॉरी, वही नहीं, वो क्या हुआ मेरा मोबाइल बंद हो गया था ना, बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है आप? सब कस्टमर लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ वही नहीं, बस आपके सोसाइटी के पास पहुँच ही गया हूँ। अरे क्या हुआ? अरे देवा, वही नहीं, टेम्पो का टायर तो पंक्चर हो गया ना, अब सोसाइटी के अंदर गाड़ी नहीं आएगा। चलो चलो काम करो, धक्का मार के साइड में ले लो। बेटी यहाँ पे बोलना पड़ेगा। गोकुलधाम वालों को फोन कर देती हूँ। अंजलि बिना आपके निकल जाता हूँ ऑफिस। तारक प्लीज एक मिनट, शांति। हेलो हेलो अंजलि भाभी। हाँ माधवी भाभी, पेटियां आ गई है। हाँ अच्छा, लेकिन क्या हुआ है, गाड़ी पंक्चर हो गई है तो अब्दुल शॉप के यहाँ पे पेटियां उतर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ बस अभी आई। हाँ हाँ ओके। तारक आम की पेटी आ गई। अरे वाह, आम की पेटियां आ गई, ग्रेट। मैं और अयन अभी नीचे आते। ओके अच्छा, हम लोग आ रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए। हाँ। अब्दुल भाई, सोढ़ी भाई, मैंने कस्टमर की लिस्ट कर ली है, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे पेटियां देते जाना। हाँ और हाँ, पेमेंट कैश में ही लेना है। ओ बिल्कुल कैश में लेंगे माधवी भाभी जी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इन लोगों से 1500 रुपए पर पेटी लेना है और गोकुलधाम वालों का बाद में देखेंगे। और ठीक है माधवी भाभी जी, नहीं माधवी बहनी जी, वो पैसे का मैं देख लूंगा जी। थैंक यू सोढ़ी भाई। मोस्ट वेलकम माधवी भाभी जी, माधवी बहनी जी। तो सारे आगे 2 पेटी रही, अनु भी फटाफट लगा दो, सब लोग बांट देंगे आराम से। भाई साहब एक मिनट, क्या खुशबू है दया, आ गए आम यहाँ। अरे इसे सिर्फ आम मत कहिए, ये आम नहीं है, ये तो खास आम है। खास आम यहाँ बिल्कुल, तो ये खास आम की पेटी जल्दी दीजिए माधवी भाभी, मुझे ऑफिस जाना। हाँ। माधवी भाभी मैंने पूरी पेटी के लिए 42 है। गणपत भाई 42 क्यों? वही नहीं क्या हुआ, मैं आते वक्त 2 एक्स्ट्रा लेके आया, किसी को लेना है तो लेगा, नहीं तो मैं वापस ले जाएगा। नहीं हम लोग रख लेंगे। अच्छा किया अच्छा किया, अब लेकिन क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं है ना? अरे नहीं वही नहीं, अरे गणपतराव से कभी गड़बड़ नहीं होगी, अगर गड़बड़ हो गई ना तो मूछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अरे फिर ऐसा है तो ये खास आम के वो दर्जन से करो, इसका बहुत तारीफ सुना है मैंने। हाँ दिखाओ भाई दिखाओ। सही बात है। हाँ अरे दया तो कह रही थी ये विस्फोट क्वालिटी के आम है। नहीं जेठालाल, विस्फोट क्वालिटी नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी। नहीं विस्फोट ही मैं सब। कैसे? वो विस्फोट का मतलब दया बहुत बढ़िया समझाती है। दया समझाता? अरे नहीं क्या? अरे बोलने बहुत बढ़िया है तो समझाती है ना माधवी भाभी। हाँ मंजे का है, होऊन जाऊ दे विस्फोट का स्पोर्ट। बता दया भाभी हो जाए। ठीक है, आपका इतना आग्रह है तो शुरू करते हैं। इसरा धोन जाओ दिया। ये आम खाकर मुंह में स्वाद का विस्फोट होता है, पेट में आनंद का विस्फोट होता है और मन में तृप्ति का विस्फोट होता है, इसलिए ये विस्फोट क्वालिटी के आम है। हाँ भाई दिखाओ विस्फोट क्वालिटी के आम दिखाओ भाई। हाँ है ना, क्यों नहीं। अरे गणपतराव के आम है ये, देखो एक नंबर क्वालिटी का। सच में बड़ा है। हाँ क्या खुशबू है। हाँ फल वाकई में बड़ा है दया, खुशबू तो लेने दो। क्या फल है गणपतराव, वाह वाह वाह, मजा आ गया। माधवी भाभी बहुत बड़ा फल है और खुशबूदार भी। सही बात है, स्वाद में भी नंबर 1 है। टेस्टिंग। हाँ चखते हैं ना, काटिए 10-12 मेरे लिए। हाँ अरे नहीं जाने दीजिए, चकने चकने में ही एक दो पेटी खत्म हो जाएगा। कम ऑन, हम घर जाके आराम से खाएंगे ना। हाँ कंट्रोल, ला ये पेटी लेकर जाते। वही नहीं मैं जाता हूँ, वो क्या है टायर पंक्चर हुआ है ना, तो किसी पंक्चर वाले को लेके आता हूँ। चल रे गणपत, तो पैसे तो लेके चाहिए। अरे वही नहीं, बस का क्यों मत करता तुम्हें। अरे पैसे का मैं क्या भाग रहा है क्या? आप भी किधर भाग रही हो? मैं भी जाता हूँ। चले आप हिसाब कर लेना। ठीक, आप सब लोग एक लाइन में आ जाइए। हाँ। इनकी दो पेटी। हाँ। कुम्मल अंदर रखना, गिर जाएगा। हाँ तो पेटी के अंदर रखना, पेट के अंदर नहीं। अरे वाह, आम की पेटियां आ गई। ओ चाचा जी लाइन में आई ना, हम भी तो लाइन में खड़े। अरे लेकिन मैं क्यों लाइन में आऊँ? मैं आम खरीदने नहीं आया हूँ। क्या आम खरीदने नहीं आए? आम अच्छे नहीं है क्या? आम खरीदने नहीं है तो क्या आम अच्छे नहीं है? वैसे तो हम बड़ा हीरा भी नहीं खरीदते, तो क्या हीरा अच्छा नहीं होता? हम विमान भी नहीं खरीदते, तो क्या विमान अच्छा नहीं होता? अरे चाचा जी मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अरे तो क्या कहने का मतलब था बापूजी? बापूजी क्या हुआ? आगे हुआ क्या? अरे आम बापूजी चाबी है ना? हाँ है। मैं आऊँ? ले ले, तू यही रह। इनका है एक पेटी। हाँ एक पेटी। अब्दुल ओ वाह जी वाह, ओ बाहर वाले तो अम्ब की पेटियां लेके खुश हो गए चले गए, अब हम गोकुल धाम की बारी है। अभी पता है मुझे। मतलब आप दो पेटी उठा लेंगे ना? अरे दो क्या, मैं 10 पेटी उठा लूंगा। तो फिर जेठालाल हमारा भी 2 पेटी उठा लोगे ना? नहीं ठीक है बबीता जी। वो बापूजी क्या मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा हमें कमजोर लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। जेठालाल मैं कमजोर नहीं है। तो कामचोर है? कामचोर भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। अरे हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। अरे मैं व्यापारी हूँ, कुश्ती बात थोड़ी हूँ कि 10 पेटी उठा लूँ। और माधवी भाभी, माधवी बहनी जी, और 30 पेटी के 1500 के हिसाब से ये हो गए पूरे 45,000 रूपए। थैंक यू सोढ़ी भाई। अरे माधवी बहनी जी मोस्ट वेलकम जी। जेठा भाई ये आपके 25,000 जो आपने मुझे कल दिए थे। अरे इतने क्या जल्दी है माधवी भाभी, आराम से बाद में देना, ये रखिए आपके पास। नहीं जेठा भाई हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अरे दया से आपने लिए था ना, दया को ही दे दीजिए। अरे मुझे पापा को हिसाब। भिड़े बहन, गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब ने कुल मिला के 10 पेटी ली है, तो ये उसका हिसाब। अंजलि तभी दोनों पेटियों को पैसे दे देना दया भाभी को। तारक चिंता मत कीजिए, महिला मंडल ने पैसे इकट्ठा करके ऑलरेडी दया भाभी को दे दिए हैं। अच्छा अच्छा। दया भाभी रहने दीजिए ना, बाद में देखेंगे वो सब। अरे भिड़े बहन अभी आपने तो बोला ना कि हिसाब क्लियर होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं। बराबर बराबर, ले लीजिए। सही बात है, सही बात है। थैंक यू थैंक यू अब्दुल भाई, सोढ़ी भाई, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की बहुत मदद हुई। अरे माधवी बहनी जी, और थैंक यू किस बात का? और थैंक यू तो आपको कहना चाहिए कि आपने इतने बढ़िया आम मंगाए जी। वैसे माधवी भाभी भिड़े को जब ये आपके आम के बिजनेस के बारे में पता चलेगा तो खुश हो जाएगा। वैसे कभी आ कभी रहा है वो? आज ही आ रहे हैं। वैसे सबको थैंक यू वंस अगेन। कम ऑन माधवी भाभी क्या थैंक यू। आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर पाती। अरे माधवी भाभी ये क्या कह रही है आप? हम सब हमेशा साथ साथ है और यही तो हमारी खास बात है। हाँ सही बात है। अब जल्दी चलते आम खाते हैं। हाँ भाई मैं आम खा के दुकान जाऊंगा। अरे भाई अब जब पेटियां सामने पड़ी है तो मैं भी ऑफिस नहीं जा सकता, आम खा के ही जाऊंगा। अब चलो भाई चलो चलो नाता साहब। हाँ माधवी भाभी ये 2 आम की पेटियां मैं आपके घर पे छोड़ दूं? अब्दुल भाई दोनों नहीं, सिर्फ एक। और ये दूसरी? आपके लिए। मेरे लिए? आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं नहीं गिफ्ट नहीं, इसका आपका पैसा रखना पड़ेगा। अब्दुल भाई मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं पैसे नहीं लूंगी। आपको मेरी तरफ से ये गिफ्ट है और गिफ्ट रखनी पड़ेगी प्लीज। अरे माधवी भाभी ये सब तो हिसाब होता है, मेरी दुकान से सामान आपके घर पे जाता है तो क्या मैं पैसा नहीं लेता हूँ? तो आपको भी तो पैसा लेना ही पड़ेगा ना, ये लीजिए। अब्दुल भाई। माधवी भाभी प्लीज मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा अब्दुल भाई। हाँ गणपत भैया आए तो उनको मेरा घर दिखा देना। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू अब्दुल भाई। गणपति पापा आपकी कृपा से सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। गोमू जल्दी आम लेके आओ ना, हम लोगों से अब रहा नहीं जाता। हाँ मम्मी जल्दी लाओ। आम की खुशबू ने तो मुझे आम खाने की इच्छा और बढ़ा दी है। सही बात है। दे दे आम दे, दे दे आम दे, आम दे आम दे रे हमें आम दे, मम्मी आम दे, दे दे आम दे, आम दे आम दे रे हमें आम दे। लेके मीठा मीठा आम काट के मैं 2-4 सजा के थाली में लाई हूँ मेरे दिलदार। कोमल इन 2 आमों से हमारा क्या होगा? हाँ मैं जानती थी। यस ये हुई ना बात। वाह वाह क्या मजेदार आम है। हाँ पापा मजा तो आने वाला है, अभी और एक पेटी बाकी है ना। मुझे तो लगता है वो पेटी भी हम लोगों को कम पड़ जाएंगी। आम बढ़िया तो है ही, बहुत मीठा है। सही बात है, आज तो गोकुलधाम में आम का जादू छाने वाला है। अंजलि जल्दी 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 करो भाई। अरे तारक है पेशेंस, जल्दी करो क्या, बस आम काट के टिफिन में भरने उतनी देर। अंजलि टिफिन में क्यों भरने हैं? मैं भी वहाँ से बोल के तो निकला हूँ कि मैं आम खा के ऑफिस जाऊंगा, तो आप कंट्रोल नहीं होता। मैं लंच तक कहाँ वेट करूँ, अभी खाना तुम। थोड़ा सब्र करो तारक, सब्र का फल मीठा होता है। आम का फल तो ऑलरेडी मीठा है, इसमें सब्र करने की क्या बात है अंजलि। और इतनी खुशबू शानदार है इसकी, वाह कमाल का मीठा आम है, कमाल की खुशबू है। अंजलि 5-6 आम खा के निकलूंगा ऑफिस। क्यों लंच तक इंतजार नहीं होता? रोज तो बोलते हो अरे अंजलि लेट हो रही है, अभी अभी आप कह रहे थे अंजलि ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। नहीं अंजलि आज मैं ऑफिस अगर लेट भी जाऊंगा ना तो बहुत अपसेट नहीं होगा। बहुत अपसेट क्यों नहीं होंगे? अरे क्यों, आम की पेटी जो भेज दी तुम उनके लिए, देख के खुश हो जाएगा, कहेगा मिस्टर मेहता आप रोज लेट आया कीजिए। वैसे एक बात तो खास है हाँ इस आम की तारक, इसी का भी दिल जीत लेता है। दिल दिमाग पेट सब कुछ जीत सकता है, आम तो आम है भाई, क्या बात है। एक्चुअली है तो बहुत बढ़िया। किसी ने कश्मीर देख के एक बार कहा था अगर जमीन पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और इस आम को देख के मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर स्वाद कहीं है तो यही है, यही है, यही है। वाह क्या बात है, ये आम बहुत खास है। कुछ भी कहिए तारक आम है बहुत बढ़िया। मैं तो कहती हूँ हमें माधवी भाभी को जाके थैंक यू कहना चाहिए। अरे कहना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले इस आम को धन्यवाद कहना चाहिए। आम को धन्यवाद? जी आम को धन्यवाद कहना चाहिए। इस आम को देख के मेरे दिल में कुछ ख्याल आ रहे हैं जिन्हें मैं प्रकट करना चाहता हूँ। अरे वाह इरशाद इरशाद। ए आम तुम भीषण गर्मी में आते हो पर तुम में गजब की मिठास है। तुम्हारा नाम भले आम है पर तुम्हारी जगह हमारे दिल में बड़ी खास है। जितना भी खाओ बढ़ती जाती मन की प्यास है। और भले तुम लकड़ी की पेटी में आओ तुम्हारी जगह सोने चांदी के आसपास है। तारक मेहता साहब क्या बात है। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अरे पर कोई बात नहीं। हे भगवान बच्चे बन गए हो आप तो। देश की धरती तो ना उगले उगले मिठे मिठे आम, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। भांगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मी ये भांगड़ा इस किंग ऑफ मैंगो के लिए है। बले 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 बले। ओए सुनिए, आज आम खाते जाएंगे और साथ में भंगड़े करते जाएंगे, ना आम खाना रुकेगा ना भंगड़ा डालना रुकेगा। बले 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 बले। हाँ रुकना मत, पर शुरुआत तो करो। अरे वाह सुनिए, थैंक यू यार, लव यू। पापा क्या मस्त खुशबू है। पापा एक काम करते हैं, हम ये आम नहीं खाते। हाँ? क्यों? तुझे आम क्यों नहीं खाना है? हाँ पुत्र, ओए इतने टेस्टी आम लग रहे हैं, ओए खा के मजा आ जाएगा। हाँ पापा, हम ये आम खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए इसके खुशबू से पेट भर लेते हैं। ओ पुत्र जी, और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, और खुशबू से नहीं आम खा के पेट भरो। ओ आम खत्म हो जाएंगे तो दो पेटी माधवी भाभी से और मंगा लेंगे। क्या करिए, एक काम करो, तुम दोनों आम के बारे में बातें ही करो। हाँ मैं ये आम वापस किचन में रख के आती हूँ। अरे नहीं सोनिया नहीं, वो खाते हो, खा पुत्र खा यार, जम के खा। अरे सोनिया तू भी खा यार। अरे सोनिया कितने मस्त आम है ना, कल से लस्सी बनाना बंद। ये आम नहीं खाना चाहता है, तू लस्सी नहीं पीना चाहता है, लेकिन चल क्या रहा है? ओए सोनिए, कल से मैंगो लस्सी पियेंगे। हाँ मम्मी, कल से सारी आइटम मैंगो की बनाना। भले भले भले। हाँ अय्यर, क्या कर रहे हो? भाभी साहब मैं आम का मैंगो मंचूरियन बना रहा हूँ। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं मैंगो मिल्क शेक बना रहा हूँ। तो मुझे तो ना, मैं बना देती हूँ। इल्ले इल्ले ना ना। बबीता क्या है, जब भी मैं आम को देखता हूँ ना तो मेरे को अम्मा का मैंगो मिल्क शेक का रेसिपी याद आ जाता है। ओके अम्मा मेरे को जैसा मैंगो मिल्क शेक बनाकर देता था ना, मैं तुमको वैसा ही बनाकर पिलाता है। ओके ठीक है, तुम बाहर बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके बबीता, बबीता ये देखो, दिस इज मैंगो मिल्क शेक विथ वैनिला आइसक्रीम एंड व्हिप्ड क्रीम। क्या बात है यार, दिस लुक्स डिलीशियस। और तुमने डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है। ए बबीता, सिर्फ लुक पर मत जाओ, इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस है। आई एम प्रीटी श्योर। थैंक यू सो मच। अरे तुम तो लो। थैंक यू सो मच। वाओ यार, इट लुक्स रियली डिलीशियस। बबीता टेस्ट तो करो। ये एक यार, वाओ इट्स वेरी स्वीट एंड नाइस। सुपर्ब, थैंक यू सो मच। बबीता ये मैंगो का एक स्पेशलिटी है, नॉर्मली मिल्क शेक में शुगर ऐड करना पड़ता है, लेकिन ये मैंगो इतना मीठा है कि शुगर का एक दाना भी ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ क्या बात है। हा? और इस मैंगो का एक और स्पेशलिटी है। क्या? ये मैंगो सिर्फ टेस्टी नहीं, रोमांटिक भी है। कैसे? अभी देखो, इस समय नॉर्मली मैं ऑफिस में होता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे साथ मैंगो मिल्क शेक पी रहा हूँ। आम की बड़ी धूम है गोकुलधाम सोसाइटी में, आम रस छाया हुआ है, खुशियां हैं, माधवी भाभी बड़ी खुश हैं, लेकिन ये खुशियां काफूर होने वाली है जब गणपतराव पैसे का हिसाब करने आएंगे। आप तो जानती हैं क्या गड़बड़ हुई है। अब माधवी भाभी से तो सुनने में गलती हुई, उसका परिणाम अब सामने आएगा, और गड़बड़ तो तब होगी जब भिड़े आएंगे, जब भिड़े को पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में माधवी भाभी ने साहस किया है और माधवी भाभी को ये लॉस हुआ है, तब भिड़े क्या रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। भिड़े जो चाहे रिएक्ट करें, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के आगे कहीं माधवी भाभी को शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। भाई टेंशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना भी टेंशन हो, आपके लिए ठहाकों का इंतजाम। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.